वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये बेसिकली एक वायरलेस कैमरा है, वाईफाई कैमरा, और इसमें बेसिकली अगर हम देखने जाएं क्या यूज़ है और क्या करता है ये, तो ज़बरदस्त कैमरा है और आप इसमें इंटरनेट आपको चाहिए होता है, और ये 2MP HD स्मार्ट वाईफाई PT कैमरा है। और इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि हम इसको लगा के इसको आप बेसिकली पूरे अपने सॉफ्टवेयर लोड कर ले इसका। पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग समझाता हूँ, अनबॉक्सिंग कर लूँ इसकी। तो ये कैमरा इस तरह से आता है, और इसमें जो इसके फिट करने के लिए होता है वो इस तरह से, इसमें साथ में दो स्क्रू देगा और ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं। तो ये वाईफाई कैमरा, और ये आप कहीं से भी रिमोटली यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको नाइट मोड में भी ये जाता है। इसके अलावा सेंसर भी है इसमें, रिकॉर्डिंग भी है इसमें, और इसमें देखा आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से एक आपको यहाँ पर कार्ड डल जाएगा, और यहाँ से ही इसमें रीसेट होता है। ये थोड़ा सा तकलीफ वाला मामला है, बाकी रीसेट का बटन कहाँ देना चाहिए, इसमें बाहर देना चाहिए, तो यहाँ से हमें इसको करना पड़ता है रीसेट। और इसके लिए क्या आता है, एक पिन आती है इसमें जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, और इसके साथ मैनुअल आएगा, ये इसका जो पावर सप्लाई है वो आएगी, अडाप्टर आएगा, और इसको रीसेट करने के लिए ये देखिए इस तरह से आता है। तो आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो इस तरह से इसमें डालेंगे तो ये रीसेट का आपको बटन समझ के इसको रीसेट करना होगा। नए लोग संभाल के करें, ज़रा सी गलती में ये अंदर का बटन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो आप इसमें कार्ड डालेंगे वो यहाँ पर डलेगा, यहाँ पे कार्ड डलेगा, और फिर इस तरह से जब ऑटो ये जब ऑन करते हैं, जब इसको आप पावर देते हैं, तो ये चारों तरफ मूव होता है, घूमता है, सेंस करता है, और सिक्योर आई का ये प्रोडक्ट है। तो एज यूजल मतलब हम अगर बात करें इसमें तो बाकी चीज़ें तो अगर हम बाकी ब्रांडेड और ब्रांड है बहुत सारे अवेलेबल है, रेट में यहाँ पर नहीं बता रहा इसके, क्योंकि रेट अलग अलग रहते हैं इसके हर जगह। एक नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 2000 की रेंज के अंदर ही का है ये, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसको आप चलाएंगे नॉर्मली चलता है, बढ़िया है, क्वालिटी ठीक है। एक अगर प्राइस वाइज बात करूँ तो ठीक ठाक कैमरा है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैनुअली आप इसका सिक्योर आई का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करेंगे। सिक्योर आई ये आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है, प्ले स्टोर से नहीं, आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहें डाउनलोड करते समय, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड भी होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से सोच समझ के ही सिक्योर आई को जेन्युइन साइट पे जाके ही करें। गूगल पे हमेशा क्या होता है, प्ले स्टोर पे तो ठीक है, डायरेक्ट क्रोम वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो वहाँ से आप सावधान रहें। इसमें जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दे रहा है, क्लाउड स्टोरेज का भी है, SD कार्ड है, इसके अलावा सुपर वाईफाई 2.4 GHz के आसपास है स्पीड, और शेयर कंट्रोल है, टू वे ऑडियो है, आपका ऑडियो जाएगा और आएगा दोनों, बिल्ट इन सायरन है, सायरन भी है इसमें, और मोशन डिटेक्शन भी है। तो ये बहुत सारे फीचर्स लिए हुए हैं अपने आप में, और एक ठीक ठाक प्राइस में ये कैमरा आपको मिल जाता है। तो ये कैमरा अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सिक्योर आई है। इसके अलावा CP+ के भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं। अगर एक नॉर्मल बजट है और घर में अगर आप एक कैमरा लगाना चाहते हैं, इंटरनेट अवेलेबल है घर पे, या मोबाइल से भी आप कनेक्ट करके इंटरनेट इसको दे सकते हैं ईजिली, बहुत बढ़िया कैमरा है। एक सिक्योरिटी थ्रेट, जो भी थ्रेट होते हैं घरों में, इस तरह की चीज़ें होती हैं चोरी और इस तरह की चीज़ों के लिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छा है। एक सस्ते रेट में, सस्ती कीमत में आपको मिल जाता है, मोबाइल में आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें और सारा काम इससे हो जाता है। तो मैं तो इसको 10 में से अगर नंबर देने हैं तो मैं कम से कम 6-7 नंबर ज़रूर दूंगा इसको, 7 तो दूंगा इसको, 6-7 के आसपास, क्योंकि प्राइस वाइज भी ठीक है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। बाकी हाँ, अब ये ड्यूरेबिलिटी अभी क्या है इसमें, मैंने इसकी चेक नहीं की है, तो ड्यूरेबल कितना है वो ज़रूर देखने वाली बात है। बाकी 1 ईयर की वारंटी है, ख़राब होने पर प्रॉपरली आपको कैमरा या तो रिप्लेस कर देते हैं, या ज़रूर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट करके ज़रूर देती है सिक्योर आई। इसके अलावा 4-5 दिन का डिले ज़रूर होता है, तो वो एक नॉर्मल सा रूटीन है, और इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इशू नहीं बनता। कंसर्न यही है कि आप इसको यूज़ करें, देखें अभी रिजल्ट। अब जैसे CP+ वगैरह प्रॉपर एक ब्रांड बन चुकी है, तो वो एक अलग चीज़ होती है, लोगों का ट्रस्ट भी होता है, लेकिन मुझे ठीक ठाक कीमत में ठीक ठाक लगा, यूज़ करने में भी ठीक लगा, इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई। वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, ज़रूर इसको कहीं फॉरवर्ड करें जो सीखने वाले। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन था, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, CCNA, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कोर्स, DJ मशीन से लेकर फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, LED TV, एडवांस लेवल पे ही मैं कराता हूँ। स्कीमेटिक क्या होता है उसके वीडियोस रेगुलर डाल रहा हूँ,
आईसीओ का बूट सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब डिटेल को और मैं एक्सप्लोर करूँगा आगे वाले वीडियोस में, और एक प्रॉपर वे में अगर आपको सीखना है एडवांस लेवल पे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सी सी एन ए मेरा सब कुछ किया हुआ है, एम सी ए है, सी सी एन ए सी सी एन पी, तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। 36-38 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।